ओके बच्चों, कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज जीरोज आर, ऑप्शन नहीं है आज के क्वेश्चंस में, हमको खुद ही करने इनके जीरोज, ये जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है हमको। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा ऐसा ही है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर, तो दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसमें जीरोज दे रखे हैं, वो निकाल लें। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और अल्फा बीटा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, चार माइनस इज इक्वल टू वन। बहुत अच्छा, शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। दूसरे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जल्दी से कौन बताएगा मुझे, सिक्स अपॉन फाइव, और अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कौन बताएगा बच्चों मुझे, 6/25, 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 6/25
ठीक है, छह बटे पच्चीस हो जाए, ठीक है। तो आगे आप लोग इसको कर लेंगे दोनों सवालों को आसानी से अब, ठीक है। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या है दोनों क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला लगेगा माइनस एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा और यही आंसर होगा दोनों के अंदर। क्या सब बच्चे कर लेंगे इसको? इसको 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 छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा, आधे मिनट का सवाल है, ठीक है। आप लोग तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज निकाल लें, इसके जीरोज निकाल लें। बच्चों कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए, पहले तो तरीका बताइए, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। इकरा खान आप बताइए बेटा, इकरा बताइए। अच्छा चलिए, फायदा आप बताइए बेटा, कैसे निकालेंगे? सर फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करेंगे, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से हो जाएगा। चलिए भूमि आप बताइए बेटा, चलिए। सर हम भी फैक्टराइजेशन से करेंगे। आप भी फैक्टराइजेशन से करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन से आप इसी, आप लोग आप लोग आप लोग जो फैक्टराइजेशन से कह रहे हैं, क्या वो यही कह रहे हैं कि हम इसको लिखेंगे एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस एन, ऐसे कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस, ओके। एम एक्स कॉमन ले लूं बेटा इसके अंदर से मैं, तो क्या बचेगा? एम प्लस वन बच जाएगा, एक्स प्लस वन, प्लस एन कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस वन बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा आ गया माइनस वन और बीटा क्या आ गया जल्दी से बताइए? माइनस एन अपॉन एम, ठीक है। तो बहुत, और दूसरा जो तरीका था बच्चों कौन सा है दूसरा तरीका जल्दी से बताइए? दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है कि हम इसको ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन अपॉन एम, ठीक है, एक्स प्लस एन अपॉन एम, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सम ऑफ रूट किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा जल्दी से बताइए? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस वन माइनस एन अपॉन एम, राइट? यस सर। और अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू एन अपॉन एम। दोनों सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई, क्यों फायदा ऐसे होगा बेटा? जल्दी से बताइए बेटा। हर्ष हमने ये किया है, ध्यान से देखिए, हर्ष ध्यान से समझिए, ये हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ये जो बनाया है कौन सा फॉर्मूला बनाया? देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखा है ना हमने, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो फॉर्मूला है हमने वो बना दिया है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे? एक्स का कोफिशियंट वन कर देंगे, एक्स का कोफिशियंट बेटा कितना होता है इसके अंदर? वन, ठीक है। अब देखिए अगली इक्वेशन में देखिए, यहां एक्स का कोफिशियंट एम मौजूद है पहले से, राइट? समझ में आ रही है बात आपके? यस सर। तो
मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को m से डिवाइड कर दिया है, यहां पर भी m था, इसको m से डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, क्रॉस हो गया। बात समझ में आ गई? तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पॉलिनोमियल को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दें, हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बेसिकली वो अपना कैरेक्टर नहीं बदलता है। बात समझ में आ रही है? वो अपना कैरेक्टर नहीं बदलता, स्लोप लोप नहीं बदलता है वो, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो इससे क्या हुआ, ये सम ऑफ रूट आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया बेटा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में इट शुड बी नोटेड कि यहां पर माइनस का साइन होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस ओवर हियर, माइनस वन माइनस एन अपॉन एम, ओके, बात समझ में आ गई। एंड व्हाट इज दिस, इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो बेसिकली क्या होगा, ये होगा। अब नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, हमारे पास दो इक्वेशन जो है बाबू, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया हर्ष? यस सर। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये वाला जो तरीका, ये ज्यादा आसान है, बर दोनों तरीके पता होना चाहिए, ठीक है ना, कोई रटा रटाया तरीका नहीं होना चाहिए, पता हमको सब कुछ होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब इसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो एक चौथा तरीका भी होगा आपके पास कि आप ऑप्शंस पुट करके निकाल लें जल्दी जल्दी, हालांकि ये बहुत जल्दी आ रहा है इस वाले तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। एनीवे लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ m एंड n आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हैं m और n, हमको क्या वैल्यू निकालनी है, हमको ये वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ भी नहीं है, इसको आप एम एन लिखा हुआ है, यहां पर अल्फा बीटा लिखा होता तो आपके आपको ज्यादा आसान लग रहा होता, तो ये क्या हो जाता बेसिकली, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बात समझ में आ गई? उसको हमने एम और एन लिख दिया तो कोई ऐसी खास बात नहीं होगी, ठीक है, बात समझ में आई? इसको कितने तरीकों से करेंगे जल्दी से बताइए। ओ सॉरी, जल्दी से बताइए सर, इसको दो वैल्यू से करते हैं, एक और निकालते और दूसरा सर अल्फा प्लस एन अपॉन एम इनटू एन को भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके सबके समझ में आ रहे हैं। मैं जरा और बच्चों से भी पूछूंगा, जुल्फिकार बेटा बताइए कैसे करेंगे इसको। सर इसको पहले एलसीएम ले लेंगे सर, जो एम प्लस एन है एन अपॉन में एम है, ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले फॉर्मूले से करें, राइट? यस सर, यस सर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m n, तो बेटा ये तो स्क्वायर बना है, इसका क्या करेंगे जल्दी से बताइए, इसके लिए क्या करेंगे जुल्फिकार? आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, a प्लस b होल स्क्वायर, जल्दी से बताइए जुल्फिकार क्या करेंगे इसका? सर जो m प्लस n माइनस माइनस b अपॉन में है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो सर जी आप ये कहना चाह रहे हैं m प्लस n का होल स्क्वायर कर दूं मैं इसको और माइनस कर दूं इसके अंदर कुछ, क्या माइनस करना पड़ेगा जल्दी बताइए? 2ml 2ml जुल्फिकार बताइए, यही बात है सही? यस सर। ठीक है, ओके, आसान है बहुत। तो ये किसके बराबर हो जाएगा जल्दी से बता दो आप मुझे, माइनस 11/3 इसका स्क्वायर माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, 2 4/3 अपॉन 4/3, ठीक है, ऐसे ही होगा, यही आंसर आएगा इसका। सर -4/3 होना चाहिए, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने, माई मिस्टेक, बताइए यही आएगा आंसर? यस सर। ठीक है, और भी कोई तरीका इसका निकालने का? सर पहले हम m और n की वो निकाल लेंगे आंसर, करेक्ट, m की वैल्यू निकाल लें और n की निकाल लें, दैट वी कैन, है ना, ये 3 × 12 हो रहा है तो इसका ये कैसे फैक्टराइज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4, ओके, समझ में आ रही बात, x की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से बताइए, सॉरी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज m एंड n आर द जीरोस, ओके, जल्दी बताइए सर, माइनस चार और बताइए जल्दी, 10/3 बच्चों वेरीफाई करिए इसको जल्दी से, यस सर, चलो ठीक आगे बढ़ते, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if x minus 6 is a factor, ये जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे, and a minus b is equal to 7,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। रिया बेटा आप बताइए कैसे करेंगे इसको। सर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो सिक्स आएगी। एक्स की सिक्स वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, कहां पे करेंगे, इस पॉलिनोमियल में। यस सर। तो ये हो जाएगा सिक्स क्यूब प्लस 36 ए प्लस 6 बी माइनस बी। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सर यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी। एक्स माइनस सिक्स इज ए फैक्टर, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्योंकि फैक्टर है, तो जीरो हो जाएगा या नहीं। यस सर। ये बताइए, अब क्या करूं बेटा मैं, रिया बताइए जल्दी क्या करूं। आराम से सोचिए। शफक आप बताइए बेटा क्या करूं, अब क्या करूं। सर हर्ष, हर्ष बताओ क्या करूं मैं। सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर अभी। तो जो कर रहे हो वो मुझे बता दो, सब बच्चों को पता लग जाएगा क्या कर रहे हो। सर मैं ये जो आपने कुछ लिख, सर मैं इसको ट्राई कर रहा था, इसमें फिर बी की। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जुल्फिकार बताओ क्या करें आप। और माइनस बी जो है इस इक्वेशन में, सर वहां पे वैल्यू हम साथ रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हमें बेसिकली दो इक्वेशन मिल रही है, एक ये मिल रही है। भूमि बताइए क्या करेंगे बेटा। सर पहले हम इसको आंसर इसको मतलब सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 7 से हम इसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। एग्जैक्टली, ये बेसिकली हमको एक अनदर रिलेशन दे रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, ये हमको दूसरा रिलेशन दे रखा है पहले से, है ना, दो रिलेशन दे रखे। 6 क्यूब किसके बराबर होता है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। ये हो जाएगा 36a प्लस 5b इज इक्वल टू 6 क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस 216। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये 36a प्लस 5 को यही रहने दीजिए, और ये जो इक्वेशन यहां पर जो दे रखी है बच्चों, यहां से b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जल्दी से बताइए, a माइनस 7 हो जाएगी इक्वल टू माइनस 16। नाउ गो फॉर दिस इक्वेशन एंड सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जल्दी से बताइए मुझे a की वैल्यू क्या होगी और b की क्या होगी, कौन बताएगा जल्दी। दिव्यांशी बताइए बेटा। यस सर। सर मेरी ए की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, बताइए जो भी आ रही है बताइए। माइनस 181 अपॉन 41 सर। ओके जी बेटे, ये आ रही है सर। मेरी बी की वैल्यू 11.17 है, मेरी भी आ रही है 11.17। चलो जो भी आ रही है, और बताइए बच्चे, वेरीफाई करिए बच्चों। सर ए की वैल्यू तो यही आ रही है, हमारी वैल्यू यही आ रही है, और बी की क्या आ रही। माइनस 468 अपॉन 41 468 सर मेरी भी यही आ रही है। 41 ठीक है सर। ओके 58 है, 58
458 है बेटा? नो सर, 468 ही है। नो सर, 68 है। दो बच्चे बता रहे हैं, यही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, आप इस सवाल का एक जवाब भी है मुझे इसी क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर इसको पॉलिनोमियल मान लें या जीरो हटा भी दें, तो इसका एकदम से मैं आपसे पूछूं, कोई एक जीरो पता है आपको? कौन बताएगा? नैरिन बेटा, जीरो का होगा इसका, दिख रहा है कोई जीरो यहाँ पर लिखा हुआ? क्या बात, ये जो फैक्टर है बेसिकली, फैक्टर वही फैक्टर जीरो से ही मिलके बनता है ना? ओके, यस सर, आगे बढ़ो। नाउ यू सी, इट इज ए क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x² + 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल टू अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आसमा बेटा बताइए कैसे होगा ये? सर, अल्फा प्लस 1/बीटा से, अल्फा प्लस 1/अल्फा, प्लस 1/अल्फा, ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया बेटा? ये कौन है? हम माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, इससे क्या होगा बेटा जल्दी बताइए? अल्फा प्लस 1/अल्फा, इससे कुछ निकल रहा है हल? इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाइए। शफक कैसे होगा बेटा ये सवाल? जल्दी बताइए, जुल्फिकार कैसे होगा ये सवाल? सर ये वाला जो सर सी अपॉन में, सी अपॉन में वन ए हो जो सर जी, वन की इक्वल हो जाएगा ये। अगर मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे ना लिख दूं, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, ये क्या चीज है? ये c है या नहीं? यस सर, ये इसका c भी है, लेकिन अगर इस ध्यान से इसको देखिए तो बेसिकली क्या चीज है ये जो चीज है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है या नहीं? प्रोडक्ट ऑफ रूट है या नहीं? ठीक है ना, है ना, एक्चुअली में सी तो इसका ये था, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये बन गया। तो इस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा है मुझे जल्दी से बताइए? 6a/9। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे कितना रखा है, बता कितना रखा है, कंडीशन क्या है? तो वन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है आप इसके अंदर, 6a is equal to a square plus 9, बस इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, मुझे एक ही वैल्यू बताइए। एक ही वैल्यू 3 प्लस 3 माइनस 3 दोनों, कौन सा 3? प्लस 3 Yes, yes, sir. A माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ये? हाँ ठीक है, yes, A माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसके दोनों रूट सेम होंगे तो आंसर जो है वो A की वैल्यू 3 आएगी। बच्चों सबके समझ में आ गया ये सवाल या नहीं? Yes, sir. हर्ष बेटा समझ में आ गया ये सवाल, जल्दी बताइए। Yes, sir. आया का समझ में आ गया ये सवाल? Yes, sir. ठीक है, शाबाश। Okay. Now it is another question. If alpha and beta are the zeros, इस polynomial के alpha और beta zeros हैं, then to find the product of this alpha beta. एक second के अंदर answer आना चाहिए इसका, तब बात है। एक second में नहीं, चलो 10 सेकंड में आ जाए। -5. रुक जाइए, एक मिनट। नैरिन बेटा कैसे करेंगे इसको, जरा जल्दी से बताना तरीका।
सर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू इस ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। ये मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 2x² + 5x - 2, दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके यस सर। अब मुझसे ये पूछा है कि अल्फा और बीटा ये प्रोडक्ट बताना है मुझे, कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। सर पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लें। 2x² + 5x - 10 लंबा तरीका। 5 का कैसे करेंगे बेटा? सर इसे ओपन अप कर लेंगे तो फिर 2x² + 5x - 10 आ जाएगा। फिर ओके ओके चलिए पहले मैं ये कर लेता हूँ, रुक जाइए फिर बताइएगा नेक्स्ट स्टेप। 5x - 10 अब क्या करूँ बेटा मैं? सर फिर सी बाय ए का हम ले लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू आ जाएगा। सी बाय ए ले लेंगे, सी बाय ए ले लेंगे, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए या बेसिकली सी बाय ए ले लेंगे। है क्यों नैरियन बेटा, ऐसी करेंगे? यस सर। ठीक है, और कोई तरीका इसको करने का? सर यही है। और दूसरा तरीका तो ये है कि अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल लीजिए आप और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है ना। शाबाश, चलिए बहुत अच्छा आ गया ये वाला सवाल। इसका मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। देवयांशी बेटा आपका माइक सही है? ओके यस सर। अच्छा ये पहले से सवाल पढ़िए, क्या है सवाल, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब जरा बेटा जल्दी से मेरा पेन कहाँ गया? हाँ मुझे ये बताइए बेटा इसके अंदर कितने जीरोस होंगे और कैसे बताएंगे आप जीरोस? सर जीरोस हम ऐसे निकालते हैं कि जो भी लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें ये वन टाइम कर रही है तो इसका जीरो वन होगा। लाइन मतलब ये, लाइन मतलब ये वाला कर्व है ना? यस सर कर्व। ठीक, तो ये बेटा कितनी बार कर रही है एक्स एक्सिस पर? ये तो यहाँ पर कर रही है, एक ही जगह कर रही है, वन टाइम। यस सर। तो ये बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल, ये बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? सर ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कॉम्प्लेक्स कर्व है बेटा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा, अलबत्ता इसके रूट्स एक ही हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसकी वन ही होगी। ठीक है ना, बिकॉज ऑल द टाइम इट इज कीप चेंजिंग ऑन इट इज चेंजिंग इट्स क्या चीज चेंज हो रही है इसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इसका स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका स्लोप वेरिएबल है, अलबत्ता ये लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे हम इसको, कंटिन्यूटी इसके अंदर बरकरार है, कहीं भी शार्प टर्न नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर दिस इज ओवर। ज़ेना बेटा, ज़ेना आपका माइक सही है? ओपन करिए माइक। फिर दूसरा मैं किससे पूछूंगा, दूसरा मैं इकरा खान से पूछूंगा। इकरा खान बताइए बेटा इसका बताइए, इसके रूट कैसे, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? सर ये लाइन 2 जगह पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके दो बार कर रही है, एक यहाँ कर रही है एक यहाँ कर रही है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर 2 होंगे। अच्छा ठीक है, भूमि कह रही है मुझसे पूछिए। भूमि बेटा इसी के बारे में एक चीज बताइए मुझे। भूमि माई कौन, भूमि ये बताइए बेटा इसमें ए इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर दोनों होंगे। ए ए ए अगर इसका मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूं, अगर ये पॉलिनोमियल लिखूं तो ए कैसा होगा अब बताइए? सर नेगेटिव होगा क्योंकि इसका पैराबोला नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ये, इसलिए ये बेसिकली उल्टे कप की तरह है ना, उल्टे कप की तरह है, तो इसका ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात, शाबाश। अच्छा हाँ भाई हर्ष
यस सर। अर्श बेटा ये इसके बारे में बताओ, इस फिगर के बारे में, इसके कितने जीरोज हैं? जल्दी बताइए। क्या हुआ, म्यूट करो उसको सर। थ्री, हाँ थ्री जीरो है। ठीक है, ये अपने आप को म्यूट कर लो, आवाज गड़बड़ आ रही है। दिव्यांशी? यस सर। दिव्यांशी बेटा ये बताइए इसके कितने जीरो हैं? ये एक मिनट में सब मिटा देता हूँ फिर पूछूंगा। ये वाली जो फिगर है इसके कितने जीरो हैं? सर वन। जीरोस कितने हैं इसके, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? सर वन। रिया कितने जीरो हैं? सर वन। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या लीन, क्या नाम है, लीनियर है? सर लीनियर होगा, लीनियर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो इक्वल रूट्स होंगे। दो इक्वल रूट्स हैं, दो इक्वल जीरोज हैं, जीरो जीरोज दो होंगे बेटा इसके, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? पर ये तो एक लाइन उस पे टच कर रहा है। हाँ, तो इसकी जो लोकेशन है वो ऊपर और नीचे हो सकती है, टच ये एक जगह कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो जीरो के बराबर है। यही तो पढ़ाया था कल, ये तो बताया था मैंने। yes, याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है अच्छा, इस वाले पॉलिनोमियल के बारे में इसलिए मैंने कहा, इसका जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये यहां से लेकर यहां तक तो क्वाड्रेटिक बिहेवियर शो कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां के बाद ये फिर क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर शो करने लगा अपवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो इसके बेसिकली थ्री रूट होंगे जो कि दो इमेजिनरी है। ये बेसिकली कैसा पॉलिनोमियल बन रहा है, ये इसकी जो डिग्री है वो इस तरीके की है कि बेसिकली इसके इमेजिनरी रूट्स भी हैं, तो क्योंकि आपको रियल रूट बताए जाते हैं तो इसलिए आपको उतना ही बता के छोड़ दिया गया। एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा है तो एक ही रूट होगा इसका। आपके यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले कर्व के बारे में, तो आप तो ये कहिए इसका एक जीरो होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी नहीं, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो पॉलिनोमियल के लिए आप क्या कहेंगे, इसका एक रूट होगा, बस ये कह के छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके बेसिकली रूट तो दो हैं, बिल्कुल सही बताया बच्ची ने, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। सॉरी, जीरोस तो दो हैं लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अच्छा ठीक है, जुल्फिकार बेटा ये बताइए इसके कितने रूट होंगे, ये जो पॉलिनोमियल है सर? चार। इसके चार हैं, चार क्यों है बेटा? चार बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस में, चार बार कट कर रहा है, ये यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये चार बार कट कर रहा है, इसलिए जो है इसके चार रूट हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब देखिए ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व जो पहला वाला कर्व है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर इस वाले कर्व के कॉन्स्टेंट अगर वेरी करा दिए जाए तो ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो इसमें जो एक्स एक्सिस कट करेगी वो कैसी करेगी, ऐसी करेगी। तो यहां पर देखिए चार रूट हो जाएंगे, तीन रूट हो जाएंगे, यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, तीन रूट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये कैसा है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, अब सबसे मुश्किल कर्व इसके बारे में, इसके रूट कौन बताएगा? शफाक कितने रूट होंगे इसके, कितने होंगे? अच्छा, इसका रूट कौन सा वाला है, ये वाला है राइट वाला या ये वाला है डबल राइट वाला? वन राइट वाला है, राइट। ओके चलो बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग, ये कर्व वाले क्वेश्चन दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज है इसकी। और आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, कल हम कर भी रहे थे इस तरह का क्वेश्चन। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एक्स माइनस थ्री से किया, और रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 21 आया। फाइंड द कोशियंट एंड
द वैल्यू ऑफ के। दिव्यांशी बेटा बताइए कैसे होगा ये? सर के की वैल्यू तो हम x इक्वल्स टू 3 अगर पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 क्यों पुट करेंगे बेटा? सर x माइनस 3 को हम ऐसा मतलब 0 की तरह मान के फिर उस इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, और इसके अंदर हम क्या पुट करते हैं बच्चों? 3 पुट करते हैं, तो 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 3। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 21। देखिए ये दिव्यांशी ने बात तो बताई है लेकिन इसमें एक बात गलत बताई है। क्या चीज गलत बताई है बेटा? भूमि बताइए। सर इसमें 21 के इक्वल नहीं रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। बेटा उसने बिल्कुल परफेक्ट, उसने कुछ भी गलत नहीं बताया, ये बिल्कुल सारी बात सही बताई है उसने। जैसे कि आपने इक्वल टू 21 के सिवा 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ पर 0 आकर और अंदर। यस सर। नहीं, 21 ही आएगा। ये तो बेसिकली रिमाइंडर है बेटा, हमने ये जीरो थोड़ी है एक्स, आप कंफ्यूज हो रही है, एक्स माइनस 3 ये कोई फैक्टर थोड़ी है, ये तो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड किया तो 21 बचेगा, तो दिस इज रिमाइंडर। ये 21 क्या है? रिमाइंडर। तो यहाँ पे जीरो थोड़ी आएगा, जीरो क्यों आएगा यहाँ पर? अच्छा एक मिनट, के की वैल्यू मैंने गलती से 3 पुट कर दी, ये तो के एक्स आएगा, दिस इज के एक्स, ठीक है? तो ये तो 21 आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया उसने। चलिए बच्चों निकालिए वैल्यू, के की वैल्यू निकालिए। तो -9। के की वैल्यू -9 बताइए बच्चे ने, जल्दी से बताइए और बच्चे। यस सर। तो -9। एक बच्चे ने -6 -9 आया। चलिए कई बच्चों ने -9 बताया, ऐसा तो नहीं एक ही बच्चा आवाज बदल बदल के बता रहा। दो सर। ठीक है, -9 ही आ रही है बच्चों सबकी। यस सर। क्यों भूमि बेटा, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा अभी आ गया अच्छा सवाल। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, then find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha, 1 upon 2 alpha plus beta, 1 upon 2 alpha, 2 beta plus alpha, ठीक है? इसकी ये इसका जवाब शफक बेटा बताइए कैसे, क्या आएगा इसका जवाब, कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर बताइए। आराम से तसल्ली से समझ लीजिए क्या है सवाल। जुल्फिकार कैसे निकालेंगे इसको? अभी क्वाड्रेटिक वो एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, सर ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट सर, इसका बिल्कुल सही, इसका जल्दी से आंसर कैसे निकलेगा? जल्दी दिव्यांश जी कैसे निकलेगा बेटा जल्दी आंसर? अल्फा और बीटा का निकाल देंगे वैल्यू से। हाँ वैल्यू इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे हम, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे निकाल लीजिए अल्फा और बीटा की वैल्यू, जल्दी से निकाल लीजिए। तो कितनी आ जाएगी मेरे ख्याल से, एक तो 2 आ रही है, 2 आ रही है या नहीं? नहीं 2 नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2, यही तो हो रहा है? नहीं, यस 2 और 1 आ रही है।
माइनस टू और वन आ रही, माइनस टू और आपकी क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब नए जीरो अल्फा डैश और बीटा डैश निकाल लीजिए। अल्फा डैश किसके बराबर आ जाएगा जल्दी से बताइए, वन अपॉन माइनस टू अल्फा माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस थ्री। ये तो आपका आ गया अल्फा डैश, और बीटा डैश किसके बराबर आ जाएगा, वन अपॉन टू बीटा, बीटा किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो ये हो जाएगा टू माइनस टू, टू माइनस टू तो जीरो हो गया, दो एक हम दो माइनस टू। ये कैसा सवाल है सर, हमारी अल्फा की वैल्यू टू आ रही है और बीटा की वैल्यू माइनस वन आ रही है। हाँ अब बताइए जल्दी से, करिए इसको बेटा, चेक करिए इसको वैल्यू, उसको जिसने भी बताया था मुझे। अल्फा डैश किसके बराबर हो जाएगा जल्दी से बताइए, वन अपॉन फोर माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन टू बीटा माइनस टू प्लस टू, ये तो जीरो हो जा रहा बीटा डैश। इसको फिर ऐसे नहीं करेंगे, इसको फिर जैसे जुल्फिकार ने बताया वैसे करेंगे हम, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, वन अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा प्लस वन अपॉन टू बीटा प्लस अल्फा। ओके, और यहां लगा देंगे हम एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वन अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टू बीटा प्लस अल्फा, राइट। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू बीटा प्लस अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस वन अपॉन, ये तो प्रोडक्ट है नीचे सीधे सीधे, तो ये प्रोडक्ट भी इसी के बराबर हो जाएगा, टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। बच्चों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसको इसी तरीके से करिए, जल्दी से सॉल्व करते रहिए आप लोग भी, मैं भी कर रहा हूं आप लोग भी करते रहिए। सब ऐसे ही कर रहे हैं सॉल्व? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस टू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका थ्री बीटा, तो ये हो जाएगा थ्री अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, ये हो जाएगा आपका थ्री अल्फा बीटा, और ये आपका हो जाएगा प्लस टू प्लस टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, इसमें जोड़ दीजिए ये, फिर आपके क्या बचा, वन अपॉन टू अल्फा बीटा, यही चीज लिख लेंगे, यही चीज लिख लेंगे, ये जो यहां से यहां तक लिखा है यही यहां पर लिख लेंगे। ओके, ये आपके इधर से लिखा है, बहुत आसान हो गया अब ये। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट किसके बराबर है जल्दी से बच्चों बताइए, सम ऑफ रूट किसके बराबर है, थ्री, सम ऑफ रूट किसके बराबर है, थ्री इंटू थ्री अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, माइनस टू, तो थ्री इंटू माइनस टू। ठीक है, ये बात हो गई टू। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ये सम ऑफ रूट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सम ऑफ रूट का स्क्वायर हो गया या नहीं,
ठीक है, तो सम ऑफ रूट का स्क्वायर किसके बराबर है जल्दी से बताइए, थ्री के बराबर है, थ्री के स्क्वायर के बराबर है, नाइन के बराबर है, ठीक है बात समझ में आई। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, माइनस टू के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपके प्लस फोर, ओके प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, नौ प्लस चार, चलिए कैलकुलेट करिए इसको, हो गया नाइन अपॉन तीन दुनी छह माइनस का छह, नौ चार तेरह दुनी छब्बीस प्लस के छब्बीस, और यहां पर एक्स भी लग रहा है ठीक है, और प्लस वन अपॉन आपके ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स अपॉन ट्वेंटी प्लस वन अपॉन ट्वेंटी, देखिए बच्चों यही आ रहा है आंसर, जल्दी से बताइए। बोलिए खामोश कैसे हो गए, थक गए साहब, किसी की कोई आवाज नहीं है, ये सर यही आ रहे, यही आ रहा बेटा, ठीक है चलो दो लोगों का आ गया तो यही इसकी उम्मीद है, देखते हैं आगे और सवाल लगाया मैंने या नहीं आगे तो बहुत सारे लगा के मैंने, ये तो मैं आपको करने के लिए दूंगा। बच्चों इसमें क्या करना है आपको ये बताइए, पहले में क्या करेंगे, पहले में क्या करेंगे, आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर, आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है ना, तो पहले को तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के करेंगे, इस वाले को कैसे करेंगे बच्चों, सेकंड को इसको ऐसे करेंगे बेटा ऐसे, कितने बच्चे ऐसे करेंगे रिया बेटा, ऐसे करेंगे इसे सर, हम तो ऐसे भी कर लेंगे और ऐसे भी कर लेंगे, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बहुत अच्छा शाबाश, अच्छा इसको कैसे करेंगे, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, सर वैल्यू ही पुट कर देंगे सीधे सीधे, अच्छा ठीक है, अच्छा इसको कैसे करेंगे फोर को, सर वैल्यू पुट, सर नहीं बेटा इसमें आप अल्फा, आप अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए ना, यस सर, ऐसे करिए इसको, प्रोडक्ट और सम का ये बेसिकली आपके जो है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए के, और सम किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है तो माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका, नहीं होगा yes, तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, टू अपॉन थर्टी सिक्स यानी वन अपॉन एटीन, यही आएगा इसका आंसर, जरा चेक करिए, बताइए Yes, है ना, ये क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहे हैं लेकिन बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान और एग्जाम रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले, अगर कोई भी एग्जामिनर अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो इंशाल्लाह ये सारे मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो चाहे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उनका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, सेम वेरिएबल के साथ आ जाएगा, सेम कॉन्स्टेंट्स के साथ आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बेशक बदले हुए होंगे लेकिन इनके बाहर वो क्या सोच के बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा कोई सवाल, शायद ही कोई सवाल ऐसा हो जो इस मतलब ये इस फॉर्मेट के बिना हो, कोई ऐसा फॉर्मेट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं करवाया हो इससे रिलेटेड, तो बहुत क्वेश्चन करवा दिए और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम बचा है, लेकिन हमारे पास चैप्टर भी बहुत सारे बचे हैं, अभी ज्योमेट्री बची हुई है ना, तो मैथमेटिक्स तो हमने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें टच करी हैं, अलबत्ता हमने बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं किया है,
बहुत ज्यादा नहीं किया है स्टैटिस्टिक्स, एक दो सवाल आते हैं उसके तो हम वो भी करेंगे, हालांकि हम कर चुके हैं एक बार स्टैटिस्टिक्स को, वो उसकी एक वजह ये भी है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट कम आता है उसमें स्टैटिस्टिक में, तो जिसमें कम आता है इंटरेस्ट आदमी उसकी बात भी कम करता है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी बात कम कर, हमें करनी है क्योंकि सवाल पूछेंगे। तो बच्चों ये जो सारे सवाल हैं, जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चन एंड सॉल्व देम, आप सबको सॉल्व करिए। कितने क्वेश्चन है ये बेसिकली, ये कितना नंबर है, 14 है ना ये, ठीक है 14 है, ये सब सॉल्व करिए। हमने कुछ तो यहीं पर कर भी लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला कैसे करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब बच्चे ये फॉर्मूला याद करेंगे, कल पूछूंगा मैं फॉर्मूले, ठीक है। ए माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर,